हेलो एवरीवन, अभी दिन के बज रखे हैं 1, और अभी अभी जस्ट मैं अस्पताल से आ रखी हूँ और मेरे दांत में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम थी तो मैं डेंटिस्ट के पास गई थी आज भी, और अभी मैंने मेडिसिन ली है। तो मैंने सोचा आज मैं अपना ब्लॉग अभी स्टार्ट करती हूँ क्योंकि सुबह मुझे टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी, और पूरा घर का काम वाम करके वहाँ गई थी फिर आई हूँ। तो आज मैं अपने लिए बना रही हूँ खिचड़ी क्योंकि मुझे हार्ड खाना नहीं खाना है, जैसे रोटी अगर ये मना बोला है डॉक्टर ने, तो मैं आज बना रही हूँ खिचड़ी। उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी और बना रही हूँ थोड़ा सा आइसक्रीम और, तो उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और गाइस, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर लग रहा है तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा करके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। और अब हम मिलते हैं किचन में और मैं चलती हूँ अब किचन में, और वहाँ मैंने सब कुछ रेडी करके रखा है। पहले मैं आइसक्रीम बना के रख दूंगी क्योंकि उसके लिए मुझे 7 या 8 घंटे चाहिए, तो पहले आइसक्रीम बना के हम फ्रिज में रख देंगे, फिर अपने लिए बनाऊंगी मैं खिचड़ी। और उसके बाद इस ब्लॉग की एंडिंग करेंगे हम शाम को 7 या 8 बजे रात को शायद, तब तैयार हो जाएगा, फिर आपको दिखाएंगे आइसक्रीम की कैसी बनी है करके। ठीक है, तो चलते हैं किचन में। ये ले लिया है मैंने कस्टर्ड पाउडर और ये 1 गिलास ठंडा दूध है, इसमें मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से और अच्छे से घोलना है। इसमें लम्स नहीं होने देने हैं, इसलिए ठंडा ठंडा दूध रखना है क्योंकि गर्म दूध में लम्स बन जाते हैं, तो इसलिए ठंडा दूध में इसे पहले मिक्स करके इसका घोल बना लीजिए। और उधर मैंने चढ़ा रखा है चूल्हे में दूध, और मेरे दूध को जैसे ही उबाल आएगा उसमें मैं कम से कम 3 या 4 चम्मच चीनी डाल दूंगी। अच्छे से मिक्स करना है और बढ़िया सा पेस्ट बनाना है इसका, ताकि ये एकदम से घुल जाए और मिक्स अच्छे से हो जाए, एक भी इसमें लम्स ना पड़े। और फिर इसको धीरे 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 करके हमें दूध के साथ मिक्स करना है। और अब इधर मैं ये डाल रही हूँ चीनी, दूध गर्म हो चुका है और चीनी डाल रही हूँ, तो हिलाते रहिए करछी को ताकि ये नीचे लगे नहीं। अब ये अच्छी तरह घुल चुका है और अब मैं डाल दूंगी इसे कढ़ाई में, दूध में मिक्स कर दूंगी। ये देखिए, ऐसे धीरे 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 डालते रहे और करछी हिलाते रहे, अच्छे से इसे हिलाएं ऐसे, और ताकि इसमें लम्स ना बने। देखो एकदम से इसे ऐसे हिलाएं, आपको दिख रहा होगा गाढ़ा सा हो गया है पेस्ट हमारा ये। और अच्छे से पका लीजिए इसे, धीमी आंच करिए गैस की और अच्छे से इसे पका लीजिएगा। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ और इसको अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने देंगे गाइस इसको, ऐसे गरम करके अगर हम जार में इसको क्रीम के साथ डालेंगे तो क्रीम आपकी फट सकती है। और इधर मैं ये क्रीम डाल रही हूँ जार में, इसको अच्छे से हमें मिक्स करके पीस लेना है। आप मार्केट से भी क्रीम ला सकते हैं और अपने घर पे भी बना सकते हैं, मैंने घर पे बनाई हुई क्रीम ले रखी है। और अब मैं इसे पीस लूँगी, करीबन 1 मिनट तक पीस लीजिएगा अच्छे से।
अभी मैं देख लेती हूँ, चेक करा तो बना नहीं है। अब मैं फिर से पीस रही हूँ। ये हो चुका रेडी। ये देखिए एकदम से, अभी मैं आपको चम्मच से निकाल के दिखाती हूँ, एकदम मिक्स हो चुका है और एकदम सॉफ्ट और क्रीमी बन चुका है ये। अब मैं इसमें कस्टर्ड डाल दूँगी, अच्छे से पकाया था हमने और एकदम मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था, बिल्कुल ठंडा हो चुका है। और अब इसे जार में रख दूँगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसे गरम ना रखें जार के अंदर, गरम रखोगे तो हमने इसमें क्रीम जो डाली है वो आपकी फट सकती है, इसलिए ठंडा होके। और अब नीचे से क्रीम है और ये ऊपर से मैंने डाल दिया कस्टर्ड, और अब इसे अच्छे से कम 2 मिनट तक पीस लेंगे हम। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है, क्रीमी एकदम सॉफ्ट बन चुका है। अब मैं इधर कुछ बॉक्स ले रही हूँ छोटे छोटे से, और इनमें डाल दूँगी ऐसे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एकदम सॉफ्ट स्मूथ बन रखा है। और कुछ ड्राई फ्रूट ले रखे हैं मैंने, ये काजू हैं, पिस्ता हैं, वो अपने स्वाद के अनुसार डालिए, किसी को ज़्यादा पसंद होता है, हमें ज़्यादा पसंद नहीं है, ना बच्चे खाते हैं इतना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर से गार्निश करने के लिए डाल रही हूँ। और अब अच्छे से हमें इसकी लिड लगा देनी चाहिए। पहले मैं ले लूँगी ऊपर से फॉइल पेपर, उसके बाद इनकी लिड लगा दूँगी सबकी मैं, ताकि इनके अंदर पानी ना जमा हो। फिर फ्रीजर में रखना है इनको, लगभग इनको 7 या 8 घंटे के लिए आप रखोगे तो आपकी आइसक्रीम एकदम एकदम बन के तैयार हो चुकी होगी। ये देखिए इस तरह से अब लिड लगा दी मैंने इसकी, और इसे मैं साइड रख दूँगी, और अब मैं इसकी भी लिड लगा दूँगी ऐसे। पहले फॉइल पेपर लगा दूँगी और अच्छे से टाइट करके ऐसे बंद कर दो इस तरह से। ये देखिए ये भी लगा दी, और उधर मैंने एक में ये काजू वगैरह पिस्ता वगैरह नहीं डाले हैं, क्योंकि मेरी बेटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो ये उसके लिए मैंने तैयार करके रखा है इस तरह से। ये देखे सबकी लिड लगा दी है मैंने, और ये बन रखे मेरे 3 बॉक्स इस तरह से। ये देखे अब हम इन्हें फ्रीजर में रख देंगे कम से कम 7 या 8 घंटे के लिए, आप रख दीजिएगा ऐसे। फिर बाद में मैं आपको दिखाऊंगी चेक करके कि कितना अच्छा और सॉफ्ट आइसक्रीम बनी है। और इधर मैं चढ़ा रही हूँ अपने लिए खिचड़ी, क्योंकि आज मैं डेंटिस्ट के वहाँ से आई हूँ, मेरे दांत में प्रॉब्लम है तो मुझे खिचड़ी खानी है, तो मैं आपको खिचड़ी की रेसिपी भी दिखा दूँगी कि मैं किस तरह से अपने लिए खिचड़ी बनाती हूँ। ये मैं डाल रही हूँ इसमें घी, खिचड़ी हमेशा घी में बनाइएगा, बहुत ही स्वाद होती है। और ये मैं ऐसी खिचड़ी नहीं बना रही हूँ कि बीमारों वाली खिचड़ी जैसे बीमार लोग खाते हैं, ऐसे सिंपल सी ये नहीं, एकदम चटपटी खिचड़ी बनाऊँगी। उधर मैंने कुकर में चावल और दाल रख दिए हैं गलाने के लिए, और दाल ले रखी थी मैंने कम से कम 4 चम्मच, और चावल ले रखे थे मैंने 2 चम्मच, वो मैंने पहले ही गलाने के लिए रख दिए हैं कुकर में। 2 सीटी लगाऊंगी और उसको फिर मैं निकाल दूंगी। और इधर मैं इसके लिए मसाला तैयार कर रही हूँ।
ये मैं डाल रही हूँ जीरा और ये तेज पत्ता, और थोड़ा मैंने लहसुन और अदरक भी काट के रखा है। ये रहा लहसुन अदरक, थोड़ा सा हरी मिर्च और एक प्याज का दाना कट करके रखा है मैंने। ये चार दाने मैंने टमाटर के रखे हैं, इनको कट कर लूँगी। और उधर मेरा प्याज भून के एकदम ब्राउन ब्राउन हो जाएगा तो मैं उसमें टमाटर डाल दूँगी। अब मैं थोड़ा इसमें नमक डाल रही हूँ, और थोड़ा सा नमक मैंने पहले ही दाल और चावल में रखा है, तो नमक थोड़ा अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालना है टमाटर गलाने के लिए। और गरम मसाला, धनिया पाउडर, मिर्च सब मैंने इसमें डाल लिया है। और उसके बाद अब मैं डालूँगी टमाटर। टमाटर मैंने बाद में इसलिए डाला है क्योंकि ऐसे बहुत अच्छा बनता है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और स्वादिष्ट भी होता है। अभी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी कि मसाले का कलर कैसे आया है और कितना सुंदर लग रहा है। थोड़ा सा इसे ढक लेंगे 1 मिनट के लिए। ये देखिए मसाला एकदम रेडी हो चुका है और कलर भी कितना अच्छा रखा है इसका और सॉफ्ट सा दिख रहा है। अब मैं इसमें डाल दूंगी हरे मटर। अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए इन्हें भी पकने के लिए रख देंगे। मटर हम ऐसे ही मसाले के साथ पका लेंगे और उसके बाद हम जो हमने दाल और चावल उधर सीटी लगा रखी है वो डाल देंगे। ये देखिए ये दाल और चावल मेरे गल चुके हैं एकदम खिचड़ी। मटर भी एकदम पक के तैयार हो चुके हैं और अब मैं इसमें डाल रही हूँ खिचड़ी। ये देखिए ऐसे मिक्स करके बहुत ही टेस्टी बनती है मटर के साथ, और हरी मिर्च, प्याज ये सब हमने डाला है इसमें, टमाटर, तो बहुत ही चटपटी खिचड़ी बनती है।
ये हरा धनिया डाल रही हूँ मैं ऊपर से। ये देखिए गाइस, खिचड़ी एकदम रेडी। गुड इवनिंग एवरीवन। ये देखिए मैं आइसक्रीम लेके एकदम रेडी हो चुकी हूँ, और आइसक्रीम एकदम रेडी हो चुकी है। और आपको मैं दिखाती हूँ इसे कट करके। दिन में 1 या 1:30 बजे बनाई थी मैंने, तो अभी बज चुके हैं रात के 8। ये देखिए बहुत सॉफ्ट बनी है और बहुत ही टेस्टी हो रही थी। और आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा लाइक कीजिए। और तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। Tell me that you love me, even if it's